कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर पूरे देश में रोष और गुस्सा है, जिसे लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर में भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। कोलकाता की घटना ग्वालियर में भी असर देखने को मिल रहा है और ग्वालियर के जयरोग अस्पताल समूह में 1000 बिस्तर के अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। और आप देख सकते हैं कि जो गर्ल्स और बॉयज़ जो जूनियर और पीजी डॉक्टर हैं वो लगातार अपने हड़ताल को धरना प्रदर्शन को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ओपीडी पूरी तरीके से ठप है, लेकिन मेरे साथ अभी समय मौजूद हैं, इसको समर्थन दिया है आईएमए ने और आईएमए के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ सर कि अभी जो आपका समर्थन हुआ है किस तरह के का आप ये आंदोलन आगे रणनीति बनाएंगे? आंदोलन की रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर डिसाइड हो रही है। पहली बार है कि राष्ट्रीय आईएमए, स्टेट आईएमए, लोकल ब्रांचेस, पूरा देश आज इन्वॉल्व है इसके लिए। और सच बोला जाए तो ये हड़ताल शब्द नहीं वर्ड होगा। हमने आज केवल अपनी ओपीडी सेवाएं स्थगित रखी, इमरजेंसी चालू है, हमारी इंडोर पेशेंट्स के राउंड हुए हैं, उनको दवाई हो रहा है, इंडोर सब चालू है, ओपीडी को केवल सेवाएँ रोकी हैं। शासन के लिए हमारा एक संदेश है कि अब तो कोई कुछ करो, इतने दिन हो चुके हैं, कोई अपराधी नहीं पकड़ा हुआ, सिंगल हैं, कोई आगे केस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इसके अलावा और कोई चारा बचता नहीं। मैडम किस तरह की आ चुकी दूसरा दिन है, अब आपका क्या आगे का स्टेप क्या है? अभी हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम हड़ताल करते हैं। हड़ताल नहीं है, एक टाइप से विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट हमको विरोध करना पड़ेगा। बहुत गलत हुआ है उस महिला डॉक्टर के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है उनके साथ ही हो। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल चलती रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी बहुत सारे मरीज हैं आपके सामने ही हैं, लौट रहे हैं वापस, इलाज नहीं मिल रहा उनको। देखिए अब आपको बता दें, अधीक्षक महोदय ने और डीन साहब ने अल्टरनेटिव व्यवस्था रखी है, जिसमें बहुत सारे चिकित्सकों की, वरिष्ठ चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। जूनियर डॉक्टर जरूर आंदोलन में बैठे हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक मरीजों को देख रहे हैं। अब क्या कारण हो रहा है, मैं आपसे चाहूँगा कि आप अंदर जाके उसका कवरेज लें कि क्यों नहीं देखा जा रहा है, लेकिन हमारी तरफ से अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाई गई है। बिल्कुल, जैसा दावा किया जा रहा है कि अल्टरनेट व्यवस्था की गई है, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी भी लगाई गई है, लेकिन जो ग्वालियर का सबसे बड़ा जयरोग अस्पताल समूह है, 1000 बिस्तर का अस्पताल इसको कहलाता है और यहाँ उम्मीदों के साथ लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन हड़ताल के चलते उन्हें ना तो ओपीडी में इलाज मिल रहा है ना उनका एडमिशन किया जा रहा है। ऐसे में मरीज तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हड़तालों, जो हड़ताल शब्द नहीं कह रहे हैं डॉक्टर, उनका कहना है कि जो उनका विरोध प्रदर्शन है वो मानवता के आधार पर है, यानी कि विरोध है, हड़ताल नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में, एपिसोड में कहीं ना कहीं मरीज पिस रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, ग्वालियर। कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या और नृशंस दुष्कर्म के बाद से आप जो ग्वालियर में सड़कों पर आप देख सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, डॉक्टर, जूनियर और सीनियर डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के साथ तख्तियां लिए हुए हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं, बी वांट जस्टिस की मांग की जा रही है। लोग पूरी तरीके से हाथों में तख्ती लिए हैं, बी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं और जो डॉक्टर हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या चाहिए आपको? न्याय। क्या किस तरह का विरोध प्रदर्शन है, कब तक? हमें न्याय चाहिए, हर जो बाहर महिलाएं काम कर रही हैं, घर से निकलते हैं, उनको न्याय चाहिए। मुझे क्या सुरक्षित है ग्वालियर में भी डॉक्टर? हमें यहाँ पर पूरी सुरक्षा चाहिए और जिन्होंने ये रेप किया है उनको फांसी पर लटका देना चाहिए और उनको एनकाउंटर करना चाहिए बहुत जल्द से जल्द। बिल्कुल, एनकाउंटर तक की बात की जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो आज जो शांति मार्च निकाला जा रहा है उस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं जो आईएमए के यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन सहित अन्य तमाम संगठन यहाँ मौजूद हैं और समाज सेवी भी हैं, किस तरीके का न्याय चाहिए आपको? ये जो हुआ है ना अपराध, कड़े से कड़ी ऐसी सजा मिले, चाहे वो किसी भी श्रेणी को नेता हो, कुछ भी हो, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ है और पहले भी निर्भया कांड हो चुका है, तो इस पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेकर ऐसी सजा दी जाए कि वाकई में लोग करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल मैडम, क्या कहना चाहेंगी? ये जो प्रोटेस्ट, ये जो क्राइम हुआ है ये इतना ब्रूटल है कि सोचकर रूह कांप रही है। हम लोग सो नहीं सके हैं कि माँ बाप कितनी उम्मीदों से बच्चों को पढ़ाते हैं और ये किसी डॉक्टर की बात नहीं है, वो कोई सा भी कॉलेज हो सकता था, कहीं की भी बच्ची हो सकती थी। जैसे निर्भया कांड ने हम सबको अंदर तक हिला दिया था, वैसे ही हम अभी अंदर तक हिले हुए हैं। और उसके बाद शासन का दुर्व्यवहार उन बच्चों के साथ, क्राइम पर लीपापोती करना उन लोगों को, वो एक गैंगरेप है, कोई नादान सा बच्चा भी कह सकता है कि वो एक गैंगरेप है। डॉक्टरों की ये हड़ताल और विरोध प्रदर्शन अपने आप में एक लैंडमार्क साबित हो रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, ग्वालियर।